एबे चली वर्षा ऋतु आषा ऋतु में सबुबले ना आमको गरमा गरम किना कि खायाप इच्छा होता है आउ लंच एमती गरमा गरम तरकारी आमको मिल जाए ना तो बहुत ही बढ़िया लगे। आउ स्पेशली एबे श्रावण मास चली तो जो मैंने ननभेज खाऊ नौथे आउ प्याज रसुण खाऊ मानी बहुत ही बढ़िया रेसीपी तो मो किचन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। तो चलतु देखा मुझे तरकारी कौथे बनई तो देखूँ मुझे मसूर डाली नहीं गोटे कप। हाँ फ्रेंड्स मुझे मसूर डाली बनई मसूर डाली को मुझे गोटे घंटा आगु भिजे कि रखी थी जोटा कि भल भाव भिजिगले ना तार पेस्टा बढ़िया भाव में हे। तो चलतु मसूर डाली को हमें बहुत बढ़िया भल भाव धोईदे तार जो फेण अंश अच्छी पूरा भल भाव सफा करदे देखो ये क्लीन व्टर अच्छे पूरा तामने मसूर डाली मुझे सफा करके जारे भरी कहीं ग्राइंडिंग करा जीवो। तो एथरे देखंतु मु 8 रु 10 कला रसुण नहींचे आउ गोटे सुखिला लंका नहींचे आउ जीरा गोटे चम्मच हलदी गोटे चम्मच आउ अल्प किछि पानी दे सेथरे आमे गोटे स्मूथ पेस्ट बनेबा। देखंतु पेस्ट मोर एबे रेडी हो जाइछि चलंतु ताको गोटे पात्र रे आमे काढ़ी नहीं जीवा। एठी गोटे जगार मु काढ़ी नहीं गली आउ सेथरे लूनो पकेली स्वाद अनुसार आ गोटे रु दुई पिंच खाइबा सोडा देबी जहाँफल कि यहाँ बहुत नरम हे आ क्लपी हे। तो चलतु मुझे गोल नहीं बेस समय गोल दरकार नहीं गोटे रु दुई सेकेंड एमती गोलदेबे जहाँफल कि भल भाव फुली खाइबा सोडा पड़ी मैंने बेसी गोल दरकार नहीं ऑटोमेटिकली फुली। तो चलतु मुझे गोल दे सारे तापर एवं या गोटे सैड करदे आ गए नन स्टिक पैन मुझे बसऊँच कहीं सीटा को आम भाजपा मुझे सालो फ्राई करी से मुझे पैन बसई आपण मैंने चाहिए कड़े बेसी तेल देके ताको पकोड़ी भाया भी छाणिके करें। तो मुझे मोर ये तावा ताती जाइए तो मुझे तेल नहीं देखूँ गोटे गोटे चामच एमती दूसरी बेसी बेसी देवेनि बेसी मोटा करेनि बेसी मोटा करदे भी भल तार टेस्ट आसवनि तो ताको बेसी पतला करेनि कि बेसी मोटा करेनि गोटे 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 स्पून देकि मोर तावे जी जगह धरव मुझे मुझे पक जी। तो ये देखूँ गोटे पट हो गला उल्टे नहीं हल्का हल्का गोल्डन हेला पर्यंत आम भाजवा। तो ये देखूँ दीपट जाक हो तो मुझे गोटे प्लेट रे मुझे काढ़ी दूची। तो या ना आपण मैंने गरम गरम एमती स्नाक्स हिसाब से भी खाईपर बहुत टेस्टी लगे। तो चलतु मुझे जो तक बैटर अच्छी सब गुड़ाक एमती मु बड़ा टाइप भाजी नहीं तो भाजी सारापर आम तरकारी करवा। तो एबे आम चलत तरकारी बनवा। तो तरकारी पे मुझे कड़े नहीं कड़े गरम होगापे सोरिष तेल दूचे सोरिष तेल तरकारी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आनबो। तो मुझे अल्प टिके चीनी पकेली जस्ट लाल रंग हाँपी तापर मु गोटे तेजपत्र को चिंडी नहीं खंडे डालचीनी आ कि पिज कटा पिज को देखिए आम भाजवा भल भाव पिज आम टे हल्का गोल्डन ब्राउन हो गला पर्यंत आम भाजवा प्याज। देखो ये आम गोल्डन ब्राउन हो सारी एवं आम से मसला पकईने सीम करदे आँच तो ना मसला तक सब पड़ीजी से हलदी गुंड जीरा गुंड लंका गुंड आउ धनिया गुंड पकईकी आम टिकी भाजी नहीं जा मसला को आई रु तीन चमच आम रसुण पेस्ट पकईवा कहीं प्याज पकई से लुण पकईवा आ कि काश्मीरी मिर्च पकेबा जोटा कि बढ़िया भाव में रंग दब आउ टिके चिकन मसला देबा ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसे आउ अल्प टिके गरम मसला एत मसला सब आम पक सर आम बढ़िया भाव में कसी नहीं जापर एवं आम गोटे टमाटो को काटिकी नहीं कर पकई दूचे आपण मैंने चाहिए प्यूरी भी करके पकई पारे टे ग्राइंडर चले ने प्यूरी आपण मैंने देवे जल्दी आपण मान टमाटो सीझीज। तो मुझे टी घोड़े सीझौं पा अल्प टिके मुझे घोड़े घोड़े सीझेबी। तो टमाटो आम सीझीगला देखु टमाटो आम बढ़िया भाव सीझी जा तो ये मुझे ना
କିଛି ସିଝା ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତ ସେଠି ପକାଇଦେଲି। ଆଳୁ ଟିକେ ପକାଇଲେ ତରକାରୀ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତ ମୁଁ ସେ ବଏଲ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଉଛି, ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିବ ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ କଞ୍ଚା ପାଣି ଅପେକ୍ଷା। ତ ଗରମ ପାଣି ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଲି, ତ ତରକାରୀ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ତ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ା ବନେଇଥିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକାଇ ନେଇଯିବି। ଏଇଟା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲେଟ୍ ଖାଇବାର ଅଛି ନା, ତ ବରାଟା ଆପଣମାନେ ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ସବୁତକ ସେ ପାଣି ଟାଣି ନେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଝୋଳ ହିଁ ଗ୍ରେଭି ହିଁ ରହିବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଖାଇବାର 5-10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ବରାଗୁଡ଼ାକୁ ତରକାରୀ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ ଆଉ ବରାଗୁଡ଼ାକୁ ପଛରେ ପକାଇବେ। ତ ମୋର ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପକାଇ ନେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ତରକାରୀ ଆମର ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତରକାରୀକୁ ବାଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ମାଛ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ତରକାରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ପରିବା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ରେଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଏଇ ତରକାରୀକୁ ବି ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ।